आई हैव अ लिस्ट ऑफ थिंग्स टू स्पीक। ओके, सो आपने अपनी मॉम से या फिर कई सारे फ्रेंड्स से सुना होगा कि हाउ ब्यूटिफुल प्रेगनेंसी इज़, कंसीविंग पीरियड इज़, बट देर आर सर्टन थिंग्स दैट नोबडी टॉक्स अबाउट। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यू नो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, जो मैंने खुद अपने प्रेगनेंसी में एक्सपीरियंस किया हुआ है। लेट्स गेट स्टार्टेड। और हाँ, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें एंड नोटिफिकेशन जो है वो ऑल पे कर दें ताकि आप अपडेटेड रहें। विदाउट फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। सिवियर मॉर्निंग सिकनेस, इसमें जो है बुखार जैसा फील होता है एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स जो है वॉमिटिंग भी होती है। एंड नेम की तरह ये सिर्फ मॉर्निंग में नहीं, किसी भी टाइम हो सकता है। आई हैव एक्सपीरियंस दिस इन माई फर्स्ट 4 मंथ्स। जो 4 मंथ्स में मैंने एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा किया हुआ था इसको, ये रात में भी होता था एंड 6 to 7 times आई वुड वॉमिट। तो मेरा एक्सपीरियंस जो है इसके साथ बहुत बुरा सा रहा है। इट हैज़ नेवर बीन गुड। ऑब्वियसली हु इज़ ओके विद वॉमिटिंग। ओके, देन ये ग्रेजुअली जो है डिक्रीज होता जाता है, बट सम पीपल एक्सपीरियंस इट थ्रू आउट प्रेगनेंसी। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज़ सेंसिटिव टू स्मेल। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरी जो स्मेलिंग कैपेसिटी है वो उतनी अच्छी नहीं थी, बट एट दिस पॉइंट आई कैन स्मेल एनी थिंग एंड एवरी थिंग एंड इट्स बीन अ डिज़ास्टर बिकॉज आई बीन वॉमिटिंग सिंस देन। लाइक थोड़ी सी कोई भी स्मेल जो है, जैसे जिंजर गार्लिक पेस्ट की स्मेल हो या फिर लिक्विड डिश वॉश की स्मेल हो, चिकन की स्मेल हो, ये कोई भी जो स्मेल है इससे वॉमिटिंग हो जाती है, विच यू रियली कांट डू एनी थिंग अबाउट। Moving on to the next one, feeling dizzy and sleepy. This you will feel most of the time in the mornings. ये सुबह में ज़्यादा feel होता है and ये तब होता है जब you know fetus को blood flow ज़्यादा होने लगता है and आप के veins में जो है blood return बहुत slowly हो जाता है। ये gradually you know muscles के relax होने पर होता है, especially because pregnancy hormones उसके वजह से you know a lot of things happen. The next one, this is another thing which nobody speaks about. This is pregnancy incontinence. This is frequent peeing. जब फीटस का वेट इंक्रीज़ होने लगता है तब हमारे पेल्विक फ्लोर पे मसल्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा पे जो है प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से यू नो जब भी हम खांसते हैं, छींकते हैं या फिर थोड़ी सी भी प्रेशर आती है तो यूरिन लीक हो जाता है एंड यू really can't do anything about that. It's out of your control. Almost सभी चीज़ें out of control हैं, but हाँ ये भी। इसके लिए आप you can use you know panty liners. They are really handy. It really helps. Okay. Another thing, pain near the bladder. Bladder के पास pressure या pain feel होना completely normal है because आपका जो uterus है वो grow हो रहा होता है and it's accommodating to the you know new space. Sometimes it can even occur because of you know urinary tract infection ya fir urinary stresses, but most of the time it's because of the growth of the uterus. Iski wajah se aapko you know feel ho sakta hai. So let's move on to the next one, that is pregnancy glow and acne. Okay, so a lot of इसमें कुछ खास बात नहीं है। ये जो आपके जो ग्लैंड्स होते हैं जो यू नो फेस में स्किन, फेस की स्किन पे, वो ज़्यादा ऑयल सेक्रीट करने यू नो लगती हैं, जिसकी वजह से आपकी स्किन जो है वो शाइन करने लगती है एंड समटाइम्स एक्सेस, ये जो एक्सेस ऑयल प्रोडक्शन है इट कैन इवन क्लॉग योर पोर्स एंड एक्नी को भी लीड कर सकती हैं। सो दैट इज़ अनदर बैड स्टफ डिस्पाइट ऑफ हैविंग अ ग्लोवी स्किन। ओके, सो द वन आई एम टॉकिंग नाउ इज़ अबाउट हार्ट बर्न। प्रेगनेंसी में जो है हमारी बॉडी प्रोजेस्टेरॉन ज़्यादा सिक्रीट करने लगती है, जिसकी वजह से यू नो हमारे सारे स्मूथ मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, इंक्लूडिंग द रिंग ऑफ द इसोफेगस जो एसिड्स एंड यू नो फूड को हमारे पेट में रखने में हेल्प करता है, इवन वो भी रिलैक्स हो जाता है एंड जिसकी वजह से हमारा जो एसिड एंड फूड जो है वो ऊपर आने के बहुत चांसेस हैं एंड दैट लीड्स टू हार्ट बर्न। अंदर से बहुत जलने की जो फील होती है एंड इट्स रियली वेरी डिसकम्फर्टिंग। आई डोंट नो व्हाट टू से, इट्स रियली वेरी इरिटेटिंग। इस सिचुएशन में आप कुछ भी स्पाइसी या ऑयली बिल्कुल भी नहीं खा सकते। इट रियली इंक्रीजेज द बैड सिचुएशन। आई फेस दैट टू एंड आई एम स्टिल फेसिंग दैट। द नेक्स्ट वन आई एम टॉकिंग अबाउट इज रियली नथिंग टू वरी अबाउट, दैट इज पीरियड लाइक फीलिंग एवरी मंथ। ये भी बहुत नॉर्मल है बिकॉज हर महीने हमारे मंथली साइकिल या पीरियड्स ड्यू होती हैं, तब ये फील होने लगता है। हाँ, एक मिनट।
माई ब्रदर बॉट मी माई फेवरेट स्नैक एंड आई एम जस्ट लविंग इट. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, दैट इज ब्रेथलेसनेस. जैसे हमारा यू नो फीटस का वेट जो है वो इंक्रीज होने लगता है, तब हमारी बॉडी ऑफकोर्स यू नो इट फील्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू ब्रीद दैट वेल, एक्सपेशली वेन वी ट्राई टू लाई डाउन. अनदर थिंग टू बी रियली केयरफुल अबाउट इज इच्ची फीलिंग इन द बेली एरिया, बिकॉज योर बेली इज एक्सपैंडिंग एंड जिसकी वजह से आपकी स्किन भी है, जो बेली के ऊपर जो स्किन है वो भी एक्सपैंड हो रही है. इट फील्स वेरी इच्ची, बट प्लीज डोंट स्क्रैच ओवर बिकॉज इट्स गोना लीव वेरी बैड स्क्रैच मार्क्स. एंड कोकोनट ऑयल काइंड ऑफ हेल्प्स इन दिस सिचुएशन बिकॉज इवन आई यूज इट एंड दैट्स हाउ आई एम टेलिंग यू. ओके, सो दिस वन आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट इज एन अमेजिंग एंड प्लेजेंट फीलिंग, दैट्स बेबी फ्लटर. Baby flutters. Not everyone can feel this to a very great extent, but मुझे ये moments जो है fourth month में ही feel होना start हो गया था and अभी I can feel it even more. It feels like you know something is rolling inside and something is you know bouncing or kicking around. It kind of feels like that. I don't know how can I explain it in you know other words. It's pleasant. It's just pleasant. So please do not be discouraged with any of your experiences because at the end everything is worth it and things do get better. So yeah, thank you once again for watching. Stay home, stay safe.